वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी कंफ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये कोई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। जिन्होंने फिल्म ऑलरेडी देख रखी है और उसके बाद भी उनके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट कन्फ्यूजन है और उनको काफ़ी सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उनके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो उस बारे में है, वरना फिर आप वीडियो देखोगे और आप बोलोगे कि ये वीडियो क्या दिखा रही है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जड़ से समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस फिल्म में आपको देखने को मिला क्या, और धीरे धीरे आपके सभी सवालों के जवाब भी यहाँ पर मैं देता चला जाऊँगा। तो इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से? तो देखिए, यहाँ पर ये जो खेल है ये सालों से चलता हुआ आ रहा था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। हालांकि यहाँ पर जब तक फिन और उसके फ्रेंड ने इसको क्रैक नहीं कर लिया तब तक इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया था। तो देखिए, यहाँ पर डीमंस ने क्या किया, वो एक तरीके से लोगों का जो शरीर है उसको यूज़ कर रहे थे और उनके शरीर को यूज़ करके वो इस दुनिया में ज़िंदा रह रहे थे। क्योंकि आपने भी काफ़ी सारी मूवीज वगैरह देखी होगी या फिर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी होगी कि जो शैतान है वो सीधे तरीके से धरती पर नहीं आ सकता या फिर धरती में नहीं रह सकता, तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, यानी कि एक तरीके से जो सहभागिता होती है, यानी कि हो सकता है कि वो इंसान के शरीर में आकर उनके शरीर में घुस कर इस दुनिया में आ सकते हैं और इस दुनिया में जी सकते हैं और अपने तरीके से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उनको लिए इसके लिए उनको एक शरीर चाहिए और एक सहारा चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इस दुनिया में रह सकें, और इसी फॉर्मूला को वो यूज़ करते हैं। और यही वजह है कि वो बार बार अलग अलग शरीर को यूज़ किया करते थे खुद को ज़िंदा रखने के लिए, और इस जो रियल वर्ल्ड है यानी कि शैतानी दुनिया से जो ये इंसानी दुनिया है वहाँ पर आने के लिए वो इंसान को शरीर को इस्तेमाल करते थे। और जब वो शरीर एक तरीके से बूढ़ा हो जाता था तो खुद को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो यहाँ पर इन सब की शुरुआत होती है बगमैन से, जो कि एक पादरी थे। तो यहाँ पर हमको ये कहानी भी यहाँ पर बताई गई है कि बगमैन के पास कुछ वक्त पहले यानी कि बहुत साल पहले एक आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था और वो ठीक हो ही नहीं रहा था बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, तो उसके बाद उस मरीज़ को उस पादरी के पास लाया गया, जिसके बाद उन्होंने उसको देखकर और उसको समझकर और एक तरीके से अपने पावर्स के ज़रिए उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स का सामना किया या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि उनको नहीं देखना चाहिए था, यानी कि उन्होंने एक तरीके से उन शैतानों को देख लिया था और उन्होंने समझ लिया था कि ये सब आखिर किनके वजह से हो रही है और ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने देखा इस मूवी में तो उससे मुझे एक बात तो यहाँ पर समझ में आ गई है साफ साफ कि ये जो बगमैन है कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से इन शैतानों ने मार दिया। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि इस बगमैन ने खुद को अमीर बनाने के लिए, जैसा कि आपको काफ़ी सारी कहानियों या मूवीज़ में देखने को मिलता ही है कि लोग खुद को अमीर बनाने के लिए शैतानों के साथ सौदा कर लेते हैं और उनकी गुलामी करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो बगमैन है उसने शैतानों के साथ सौदा किया होगा और उसके बाद उसने अपने जो बेटा है या फिर बहू या फिर आप जो भी बोलना चाहो उन दोनों की कुर्बानी दे दी ताकि वो अमीर हो सके और उसकी जो आने वाली पीढ़ी या नस्ल है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो शैतान है उन्होंने यहाँ पर बगमैन को एक तरीके से मार दिया और उनके जो टीम मेम्बर्स है उसमें से किसी एक की आत्मा या फिर उसकी जो पावर्स है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, और जिसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। अब ये चीज़ें लोगों के बीच ना फैले और लोगों को ज़्यादा इस बारे में पता ना चले, इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि उन्होंने उनकी जो ये पूरी टीम है उन्होंने अलग अलग लोगों को टारगेट किया, और ये चीज़ें तो सालों से चलती हुई आ रही थी, तो ऐसे में उन्होंने अलग अलग लोगों को टारगेट किया और उन
उनको वो मार देते थे और उनके शरीर पर खुद को ट्रांसफर कर लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि खुद को ट्रांसफर करने का एक बहुत ही तगड़ा उपाय यहाँ पर निकाला है। तो उन्होंने क्या किया कि एक फंगल्स यानी कि आप फफूंद बोल सकते हैं, उस टाइप की उन्होंने एक मेडिसिन बनाई जिसको वो किसी भी इंसान को बार बार खिलाते रहते थे, जिससे एक शरीर से आत्मा को अलग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती थी। और इससे होता ये था कि जैसे ही उनको मौका मिलता था वो शरीर से आत्मा को अलग कर देते थे और खुद को उस शरीर में ट्रांसफर कर लेते थे। अगर कोई उनका टीम मेंबर बूढ़ा हो जाता था तो वो क्या करते थे, एक शरीर चुनते थे और उसको मेडिसिन्स वगैरह खिला के या फिर वो जो दवाई है उसको खिलाकर उसकी आत्मा को उसके बॉडी से अलग करके वो खुद को उसमें ट्रांसफर कर लेते थे और इस तरीके से उनको एक नया शरीर मिल जाता था और वो सालों साल इसी तरीके से जिंदा रहते थे। और यही वजह थी कि उनके जितने भी सारे टीम मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग बच्चों को गोद ले रखा था ताकि वो बाद में उनका यूज़ कर सकें और उनको बढ़िया से इस्तेमाल कर सकें और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देते थे और उनको वो खुद ही पालते थे। उससे फ़ायदा ये होता था कि उनको अच्छा खासा एक तगड़ा शरीर मिल जाता था जिससे वो काफ़ी सालों तक यहाँ पर अच्छा खासा लाइफ टाइम ले सकते थे और इसमें कोई खतरा भी नहीं था। और यही वजह थी कि यहाँ पर वो किसी दूसरे का शरीर लेने के बजाय यहाँ पर वो खुद किसी को अडॉप्ट कर लेते थे, किसी बच्चे को, उसके बाद उसको पाल पोस कर बड़ा करते थे तब तक कि जब तक कि उनका शरीर बूढ़ा ना हो जाए, जो कि यहाँ पर इस फिल्म में भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर सोफी के साथ भी वही हो रहा था कि वो उसके शरीर में किसी बूढ़े उनके मेंबर्स की आत्मा को ट्रांसफर करने की यहाँ पर प्लानिंग बना रहे थे और यहाँ पर फिन ने देख भी लिया था, लेकिन उसके साथ भी वही हो रहा था तो वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। इसके अलावा हमें ये बात भी यहाँ पर पता चलती है कि वो जो फफून टाइप का हमें ये जो एक तरीके से क्रीचर या फिर आप बोल सकते हो कि परजीवी हमें देखने को मिलता है, उन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ था। और हमें ये बात भी पता चलती है कि ये जो जानवर है या जो भी कीड़ा मकोड़ा है ये इस धरती का है ही नहीं, बल्कि ये इस एनवायरनमेंट का भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ बात यहाँ पर पता चलती है कि उन्होंने खुद ही इसका